स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन टू द अव्वल एकेडमी ऑफ एजुकेशन इन आवर सीरीज ऑफ प्रिपरेशन फॉर असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर एपीएफसी एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर इन ईपीएफओ एग्जाम टू बी कंडक्टेड बाय यूपीएससी वी सब्जेक्ट जनरल साइंस चैप्टर हमने लिया था स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, इसका पार्ट वन आप देख चुके हैं, ये सारा फिजिक्स में आता है। तो अब हम इसके रिमेनिंग पार्ट की तरफ चलते हैं। सो ये सारा हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आज हमने करना है जी सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के जैसे ही आपको पता है कि सूर्य और उसके तरफ जो सेलेस्टियल बॉडीज उसके चारों तरफ घूमती हैं सौर परिवार, उसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं, राइट। तो इसके अंदर प्लैनेट्स ग्रह आ जाते हैं, कॉमेट्स, एस्टेरॉयड्स, धूमकेतु, मीटियोर्स आ जाते हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों इन सब को कोई एक चीज़ जो है बांधे रखती है, वो क्या है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉयड्स एंड मीटियोर्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगी वो उनको जो है बांधे रखती है एंड कीप दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, राइट। आपको ये भी पता है द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये भी एक मेंबर है सौर परिवार का, सोलर सिस्टम का, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो जो हमारी अर्थ है, धरती है, इट इज़ ए प्लैनेट। तो इसकी तरह सात और दूसरे प्लैनेट्स भी हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो पहले ये आठ थे लेकिन अब ये सात हैं, राइट। तो इसमें से जो प्लूटो है वो हट गया है। तो और इनका जो ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस है फ्रॉम द सन इज, सबसे पहले मरकरी आएगा, वीनस आएगा, अर्थ आएगा, मार्स आएगा, जुपिटर आएगा, सैटर्न, शनि आएगा, यूरेनस एंड नेपच्यून आएगा, राइट बच्चों। ये आपने जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस वाइज इसको याद करना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन डल जाते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो डिस्टेंस है सूर्य से दूरी के अनुसार, तो इनको आपने याद रखना है। तो अब ये जो सूर्य है, दिस इज़ द नियरेस्ट स्टार, तारा है ये हमारे नज़दीकी, ये याद रखना, द नियरेस्ट स्टार टू अस इज द सन। सो और ये जो है सूर्य है, बहुत सारी अमाउंट्स ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ हीट और लाइट जो है ये एमिट कर रहा है, जो कि धरती को चलाती है, राइट। तो धरती पे सारी जो एनर्जी है इसका कारण क्या है, सूर्य, सोर्स जो है सूर्य है, सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ, राइट। एनर्जी एंड लाइट का मेन सोर्स सन है। सो अब ये तो पता है कि आप अगर नाइट में आकाश की तरफ देखोगे तो हमें स्टार्स जो है ट्विंकल चमकते हुए दिखाई देंगे, जबकि जो ग्रह हैं ये नहीं चमकते, राइट। और ये जो प्लैनेट्स हैं यानी ग्रह हैं, ये अपनी दे कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्स, स्टार के सापेक्ष वो अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करते रहते हैं। तो ये जो प्लैनेट्स हैं वो एक डेफिनेट पाथ में सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, तो इस पाथ को क्या कह देते हैं जी, ऑर्बिट। ये आपने याद रखना है ऑर्बिट की डेफिनेशन, द पाथ द डेफिनेट पाथ इन विच द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट। तो द टाइम टेकन बाई प्लैनेट टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ये भी आपने याद रखना है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, राइट।
So this period of revolution increases as the distance of the planet increases from the जो जो वो ग्रह सूर्य से दूर होता जाएगा इस जो रेवोल्यूशन है वो घूमता जैसे जैसे ये सूर्य है इसके चारों तरफ ये घूम रहा है ये इससे दूर हो गया तो ये नेचुरल है कि ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ता जाए राइट। तो ये जो प्लैनेट्स प्लैनेट हैं ये एक सूर्य के चारों तरफ घूमने के साथ साथ एक काम और करते हैं कि ये अपने इट्स ऑन एक्सिस के चारों तरफ भी घूमते हैं मतलब अपनी दूरी पे भी ये घूमते हैं। तो यहाँ पर जो ये टाइम लेंगे टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रोटेशन, ये भी आपने याद रखना है। तो अब कुछ प्लैनेट्स के भी मून्स या सैटेलाइट्स होते हैं जो कि उनके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट, ये सैटेलाइट की डेफिनेशन मिली हमें यहाँ से कि एक सेलेस्टियल बॉडी के चारों तरफ जब दूसरी बॉडी घूमती है तो उसे हम उसे इसका सैटेलाइट बोल देते हैं राइट। तो क्योंकि अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो अर्थ जो है सूर्य का एक सैटेलाइट कहा जा सकता है राइट। पर जनरली हम इसे सूर्य का एक ग्रह ही मानते हैं सौर परिवार का हिस्सा मानते हैं। तो जो हम ये सैटेलाइट हैं कि हम उन बॉडीज के लिए यूज़ करते हैं जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं जैसे मून इज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ राइट। तो उसके बाद चलिए अब जो प्लैनेट मरकरी जैसा कि ये हमने वो पढ़ा था ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ग्रहों का, तो जो मरक्यूरी है मरक्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन। जो ये मरक्यूरी है इसे हम बुध भी बुध ग्रह भी बोल देते हैं, ये सूर्य के सबसे नज़दीक है जैसा कि यहाँ पे लिखा है मैंने बुध राइट। ये जो है स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है हमारे सोलर सिस्टम का क्योंकि ये नज़दीक है सूर्य के तो इसलिए बहुत मुश्किल से ये नज़र आता है क्योंकि ये ज़्यादातर सूर्य की रोशनी में ही ढका रहता है। तो इसको देखने का सबसे उपयुक्त टाइम है बिफोर सनराइज सूर्योदय के समय या सूर्य अस्त होने के बाद, सनराइज या सनसेट के बाद ये नज़र कहाँ पे आएगा होराइजन पे ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है। तो सो इट इज़ विजिबल ओनली एट प्लेसेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग्स डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ होराइजन, जहाँ पे कोई भी हमारे देखने में ऑब्स्ट्रक्शन ना आए वहीं पे ये जो है हमें नज़र आएगा। तो मरक्यूरी यानी बुध का कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं है ठीक है। ये हमने बुध के बारे में पढ़ा, अब हम चलेंगे वीनस। वीनस यानी इसको हम शुक्र ग्रह बोल देते हैं, ये अर्थ का जो ग्रहों में सबसे नज़दीक पड़ोसी है और इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, शुक्र जो है चमकता है इन द नाइट स्काई राइट। तो कभी कभी इट अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर द सनराइज राइट, समटाइम इट्स अपीयर इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर द सनसेट, तो ये याद रखना है। तो इसीलिए इसको जो है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है, हालांकि ये एक तारा नहीं है बट फिर भी इसे ये एक्सेप्शन है साइंस में, एक्सेप्शंस याद रखने चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होती हैं क्वेश्चंस के हिसाब से राइट। सो इसलिए इसे तारा कहा जाता है। सो नेम अ प्लैनेट विच इज कॉल्ड अ मॉर्निंग और इवनिंग स्टार दो इट इज नॉट ए स्टार, तो आंसर इज वीनस यानी शुक्र। सो इस शुक्र का भी कोई भी मून नहीं है और सैटेलाइट नहीं है। वीनस की जो रोटेशन है इसके एक्सिस के चारों तरफ इट इज अनयूजुअल, ये जो है ईस्ट से वेस्ट चल घूमता है जबकि अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट घूमती है, तो ये भी एक ये आपने याद रखना है, दिस इज एक्सेप्शन और दिस इज एक्सेप्शन राइट।
वीनस को पहचानने का तरीका, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि इट इज़ ब्राइटनेस, इसकी ब्राइटनेस से पहचाना जाता है, राइट। तो ये ज़्यादा उसमें नहीं दिखाई देगा, ऊंचाई पे ठीक ठीक ऊंचाई पे नज़र आ जाता है। वी मस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व इन 1 to 3 hours बिफोर सनराइज और आफ्टर सनराइज, ठीक है जी। तो अगला जो है हमारी धरती है, अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट, ये हमें पता ही है। इट हैज़ स्पेशल एनवायरनमेंट, एटमोसफियर कंडीशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस, लाइफ के लिए और लाइफ की निरंतरता के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो जरूरी हैं वो अर्थ पर ही मिलती हैं। तो ये सूर्य से उचित दूरी पर है ताकि, इसलिए ये उसकी जो है गर्मी से बचा है। सो इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है और यहाँ पर पानी और एटमोसफियर अवेलेबल है और हमारी प्रोटेक्शन के लिए ओजोन की लेयर भी अवेलेबल है, राइट। तो जब हम स्पेस से देखेंगे अर्थ को, इट इज़ ब्लू ग्रीन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये हमें ब्लू ग्रीन क्यों दिखाई देती है धरती, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस, राइट। सो अगली बात एक्सिस जो अर्थ के बारे में है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लैनेट ऑफ इट्स ऑर्बिट, राइट। तो ये जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अपने चारों तरफ घूमने का एक्सिस के तरफ जो इसकी रोटेशन है, इसकी ऑर्बिट के सीध में नहीं है। तो ये जो टिल्ट है थोड़ा मुड़के है, दिस टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ सीजन्स ऑन द अर्थ। तो अर्थ का सिर्फ एक ही मून, अर्थ हैज ओनली वन मून, तो और जो प्लैनेट ऑफ इक्वेटर, अब आपने याद रखना था द प्लेन ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन, ये एक और इम्पोर्टेंट बात है। द प्लेन इन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन ऑफ अर्थ, ये याद रखना है आपने, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑर्बिटल प्लेन, राइट। दीज टू प्लेन्स यानी इक्वेटोरियल प्लेन और ऑर्बिटल प्लेन आर इनक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 23.5 degrees। This means that axis of Earth is inclined to its orbital plane at an angle of, एक ये जो है orbital plane, यानी जो axis of Earth है orbital plane के साथ 66.5 degree का कोण बनाता है, right? और जो ये दो plane हैं ये बनाते हैं 23.5 degree के कोण पे हैं ये दोनों, right? तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्लेनेट है बच्चों वो है मार्स। तो मार्स को हम मंगल ग्रह भी बोल देते हैं। ये जो है जो अर्थ के ऑर्बिट यानी ऑर्बिट से बाहर जो ये मार्स पहला ग्रह है, इसको ये चीज़ याद रखनी है आपने। इट अपीयर स्लाइटली रेडिश, रेडिश कलर का है और इसलिए इसको हम रेड प्लैनेट भी बोल देते हैं। तो इसके दो नेचुरल सैटेलाइट्स, ये याद रखना है। तो अगला जो है जुपिटर यानी बृहस्पति, ये जो है लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और ये के इतना बड़ा है, इतना लार्ज है कि लगभग 1300 धरती के बराबर है, ठीक है। इसके अंदर 1300 धरती समा सकती हैं। तो मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 3.18 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, अर्थ से 318 गुना है। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस, ये अपने एक्सिस के चारों तरफ तेजी से घूमता है। तो इसके क्योंकि ये बड़ा ग्रह है तो जाहिर है इसके जो सैटेलाइट्स भी ज़्यादा होंगे। तो इसके चारों तरफ फेंट रिंग्स हैं और
इस जुपिटर को जो है ये ब्राइट है, इसको आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इस फेट रिंग्स की वजह से और इसके जो ब्राइटनेस की वजह से। ठीक है, तो अगर हम इसको टेलीस्कोप से देखेंगे तो इसके हमें चार जो है चंद्रमा नज़र आएंगे इसके चारों तरफ। ठीक है, जुपिटर के बाद है सैटर्न यानी शनि ग्रह, विच इज़ येलोइश, मंगल रेडिश, ये येलोइश, राइट। और इसकी ये जो येलोइशनेस है या इसका येलो कलर है इसको यूनिक बनाता है सोलर सिस्टम में। और इसके ब्यूटीफुल रिंग्स हैं, ब्यूटीफुल रिंग्स जो है विजिबल नहीं है, नंगी आंख से नहीं देख सकते इनको, हम स्मॉल टेलीस्कोप की वजह से ही देख सकते हैं। तो शनि के भी इट हैज लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सैटर्न इज दैट इट इज लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट्स, इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। इस चीज पे हमारा फोकस रहना चाहिए डेंसिटी का, राइट। चलिए उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो प्लैनेट्स हैं वो हैं यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये आउटर मोस्ट प्लैनेट हैं और ये लार्ज टेलीस्कोप्स की सहायता से हेल्प से ही देखे जा सकते हैं। ठीक है, सो वीनस की तरह ही ये जो हैं रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये याद रखना है अपने। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस इज दैट इज हैज हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस, एज ए रिजल्ट इन इट्स ऑर्बिटल मोशन इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड। तो इसका टिल्टेड थोड़ा झुका हुआ रोटेशनल एक्सिस है तो इसलिए अपनी रोल करता हुआ जो है अपनी साइड पे ये प्रतीत होता है। तो जो चार पहले चार प्लैनेट पड़े अपने मरकरी वीनस अर्थ और मार्स, तो ये सूर्य के नज़दीक होते हैं और नज़दीक होने की वजह से हम इनको इनर प्लैनेट्स बोल देते हैं। तो इनके जो है जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा काफ़ी कम चंद्रमा होते हैं, राइट, वेरी फ्यू स्टार्स, वेरी फ्यू मून्स। चलिए आगे चलते हैं और जो आउटसाइड के हैं जैसे मार्स जुपिटर यूरेनस एंड नेपच्यून, जो ज़्यादा दूरी पर हैं वो क्या हैं इनर प्लैनेट्स, जो इनर प्लैनेट्स से दूर हैं, मतलब ये चीज़ याद रखनी है अपने। तो इनको हम दे आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स। तो उनके ज़्यादातर हमने देखा है कि उनके चारों तरफ रिंग मिलते हैं, द आउटर प्लैनेट्स आर लार्ज नंबर ऑफ मून्स, राइट। तो इसके जो ग्रह और के अलावा भी कुछ और चीज़ें जो सूर्य के चारों तरफ घूमती हैं वो भी जो है सोलर सिस्टम की मेंबर्स हैं, राइट। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें मिलेगी जो है कि एस्टेरॉयड्स। तो एस्टेरॉयड्स क्या हैं, ये सिर्फ सबसे पहली बात के लार्ज टेलीस्कोप्स की मदद के से ही हम इसको इनको सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर बहुत सारा गैप है और इस गैप्स में जो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं और जो सूर्य के चारों तरफ घूमती हुई घूमती हैं, तो इनको हम एस्टेरॉयड्स कह सकते हैं। एस्टेरॉयड्स के अलावा हम एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, कॉमेट्स। जो कॉमेट्स हैं ये भी सोलर सिस्टम के मेंबर हैं और ये जो है हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में जो है सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। तो इनका जो घूर्णन का पीरियड है, घूमने का पीरियड है, वो ज़्यादा लंबा होता है और ये जो धूमकेतु बोल देते हैं इसको हिंदी में, जनरली इसके एक ब्राइट हेड होता है और एक लंबी टेल होती है, राइट। तो ये जो टेल है जिस जैसे जैसे सूर्य की तरफ जाएगी तो ये इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो
सूर्य से ये दूर जो होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, सो इनमें से कुछ जो कॉमेट्स या धूमकेतु का एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, ये पीरियोडिकली अपीयर होते हैं, जैसे कि हेलिस कॉमेट आपने सुना होगा, जो कि लगभग 76 साल में अपीयर होता है और ये पिछली बार 1986 में नज़र आया। ठीक है, और इसके अलावा जो हमें आकाश में शूटिंग स्टार्स मिलते हैं, जो जब आप क्लियर स्काई को नंगी आँख से देखोगे रात को, तो हमें ब्राइट लाइनें लाइट की मिलती हैं, तो इसको हम बोल देते हैं शूटिंग स्टार। तो एक्चुअली ये लाइनें ही होती हैं, ये स्टार नहीं होती, एक्चुअल में ये स्टार्स नहीं है। तो फिर इसको क्या नाम दिया गया है, दे आर कॉल्ड मीटियोर्स। ठीक है, सो अ मीटियोर यूजली जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड ओकेजनली एंटर्स द अर्थ एटमोसफियर, अर्थ के एटमोसफियर तक पहुँचते ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इस टाइम पे इनकी वेरी हाई स्पीड होती है, जब पहुँचते हैं तो जो यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, रगड़ जो है इसको गर्म कर देती है और ये ख़त्म हो जाता है। इट ग्रोज एंड इवेपोरेट्स क्विकली, दैट इज़ वाई ब्राइट स्ट्रीक लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए ही ये जो है मिलते हैं। एंड सम मीटियोर्स आर लार्ज, कुछ बड़े भी होते हैं जो पहुंच जाते हैं धरती पर, ख़त्म होने से पहले धरती की सीमा प्रवेश कर जाते हैं, तो दे आर कॉल्ड मीटियोराइट। ये मीटियोराइट की डेफिनेशन है हमारे पास। सो इनसे हमें, हमारे जो साइंटिस्ट हैं इनको इनका मटेरियल को इन्वेस्टिगेट करने पर पता चलता है कि सोलर सिस्टम जो है कैसे बना, राइट। सो जब अर्थ जो है एक कॉमेट के टेल जो है, कॉमेट जो है अर्थ से टकराता है, तो स्वैम्स ऑफ मीटियोर्स आर सीन, बहुत सारे मीटियोर्स नजर आते हैं। दीज आर नोन एज मीटियोर शावर्स, टुकड़े जो है ये है मीटियोर शावर्स। सो ये जो खगोलीय घटनाएं हैं ये होती रहती हैं हर साल, राइट। तो आगे चलिए, पुरातन टाइम में इट वॉज बिलीव इन ओल्ड टाइम्स द अर्थ वॉज सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड मून, द प्लैनेट सन एंड स्टार्स वर ऑर्बिटिंग अराउंड इट। 500 ईयर्स अगो ए पोलिश प्रिस्ट नेम निकोलस कॉपरनिकस, ये आपने याद रखना है, इस बंदे ने जो है बताया है कि धरती नहीं सूर्य सेंटर में है सोलर सिस्टम के, और प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। सो ये बहुत ही क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी आइडिया था जिसने सारी सोच ही बदल दी। तो पर इसको जो है वो अपने जीते जी घबराता रहा पब्लिश करने से, तो उसका जो है उसके डेथ वाले ईयर यानी 1543 में ये चीज़ जो है सार्वजनिक हुई। फिर उसके बाद हमारे गैलीलियो साहब आए एंड उन्होंने अपना एक टेलीस्कोप बना डाला, और इस टेलीस्कोप से उन्होंने जो है जुपिटर, मून्स, रिंग्स ऑफ सैटर्न और फेजिस ऑफ वीनस, ये सारी चीज़ें देख डाली। सो यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि द प्लैनेट्स मस्ट ऑर्बिट सन एंड नॉट द अर्थ। तो इसके लगभग दो एक साल बाद तो हर एक साल जो है दो दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है सनराइज इन द ईस्ट, बाकी दिनों पे जो है सूर्य नॉर्थ ऑफ ईस्ट और साउथ ऑफ ईस्ट से उदय होता है। ठीक है, तो
ये जो है अब 21 जून और 22 दिसंबर, ये दो चीज़ें आपने याद रखी हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि समर यानी फ्रॉम समर 16-27, 21 जून बोलते हैं इसको, 21 जून को द पॉइंट ऑफ सन राइज ग्रेजुअली शिफ्ट टूवर्ड्स द साउथ, द सन इज देन सेट टू बी इन दक्षिणायन मूविंग साउथ, इट कीप्स मूविंग टूवर्ड्स साउथ टिल विंटर 16-27, यानी अराउंड 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। देयर आफ्टर द पॉइंट ऑफ सनराइज चेंजेस डायरेक्शन, उसके बाद ये चेंज कर लेता है अपनी डायरेक्शन, और तब जो है सूर्य जो है उत्तरायण यानी मूविंग नॉर्थ में आ जाता है। तो बच्चों ये था हमारा जो चैप्टर, ये ख़त्म हो गया है सोलर सिस्टम का चैप्टर। तो इसको आप ध्यान से करिए, अच्छी तरह रिवाइज कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस रिवाइज रिवाइज ज़रूर करते रहें, ठीक है। थैंक यू, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, राइट। इट्स गुड बाय नाउ।